45.4% 12 to 24 साल दे बेरोजगार से गए एदा मतलब हर दूजा नौजवान देश से आज बेरोजगार है ये हकीकत है कि सब एबीएनसीआरबी डेटा दसता है कि 36,000 स्टूडेंट्स ने पिछले 5 साल 19 to 21 में उन्होंने खुदकुशियां कीतियां ने ते जेड़ा दे कोल नौकरी है कि हैरानी दी गल ता है कि 43,000 प्रोफेशनल्स ने भी एनसीआरबी डेटा दसता है 19 to 21 दे विच उन्होंने भी खुदकुशियां कीतियां ने पाकिस्तान दे राही ड्रोन दे राही रोज ड्रग्स साढ़े सूबे में आ रहे पंजाब का हर कोने च हर परिवार हर पिंड ड्रग्स तो पीड़ित हैगा रोज खबर च नौजवान ड्रग ओवरडोज करके ये मर रहे सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट जेड़ा डेटा दसती है कि कल 2021 च 10,880 किसानों ने खुदकुशी मतलब साढ़े देश से हर घंटे च एक किसान खुदकुशी कर रहा है जब उन्होंने कहा कि हमारे देश के 4 स्तंभ युवा गरीब किसान औरत इनके ऊपर पूरा देश का फोकस खजाने का फोकस रहा है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचने और आंकड़ों के साथ सरकार को पेश करना चाहिए था कि आज क्या इन देश के युवाओं के देश की औरतों के देश के किसान के देश के गरीब का पिछले 10 सालों में क्या उनके अच्छे दिन आ गए हैं क्या उनकी जो मुसीबतें हैं क्या जैसे देश विकसित हो रहा है क्या देशवासी भी वैसे विकसित हो रहे हैं कि नहीं और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यहाँ हम सब का फर्ज बनता है कि सिर्फ पक्ष में है तो सिर्फ तारीफ करें विपक्ष में है तो सिर्फ नुक्स निकालें कहीं ना कहीं हकीकत आंकड़ों के हिसाब पे करना ही हम सारों का फर्ज बनता है तो मैं इन चारों चीज़ों पर समय यही कहना चाहवाँगी कि जब आप गल कर दें नौजवानों की आज 50% हिंदुस्तान की आबादी नौजवानों की हैगी ते आंकड़े साढ़े वर्ल्ड बैंक ते आ दसते ने कि जे 15 to 24 साल दे नौजवानों नू देखा जाए तो 2022 दे आंकड़े वर्ल्ड बैंक दसता है कि 23% तो वध नौजवान बेरोजगार से गए जेड़ा पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान तो भी वध है जेड़ी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेटा है वो दसता है 45.4% 12 to 24 साल दे ए बेरोजगार से गए एदा मतलब हर दूजा नौजवान देश से आज बेरोजगार है ये हकीकत है कि सब एबीएनसीआरबी डेटा दसता है कि 36,000 स्टूडेंट्स ने पिछले 5 साल 19 to 21 में उन्होंने खुदकुशियां कीतियां ने ते जेड़ा दे कोल नौकरी हैगी हैरानी दी गल ता हैगी कि 43,000 प्रोफेशनल्स ने भी एनसीआरबी डेटा दसता है 19 to 21 दे विच उन्होंने भी खुदकुशियां कीतियां ने ते सा आही कारण हैगा शायद कि साढ़े देश विच 68% राइज इन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड देश छड़ के बाहर विदेशों में पढ़ने वाले जा रहे हैं जिहड़ा 6-year ऑल टाइम हाई हैगा अपने देश दे जिहड़े हिंदुस्तानी ने तकरीबन 2-3 लाख हिंदुस्तानिया ने अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट छड़ते ते तकरीबन पंजाब से सब तो वध लोगों ने ते अफसोस की गल हैगी कि जब माहे महिम जी कहते हैं कि एससी स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट बढ़ी है हकीकत आ है कि 14,000 एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ तो उन्होंने ड्रॉप आउट करता हैगा तो स्टूडेंट्स का तो मैं अपने सूबे तो ही दस सकती हाँ सर कि साढ़े टाइम से जिन्नी एससी स्टूडेंट्स होंगे सी वो अद्धे रह गए हैगे क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिली क्योंकि जेडे मंत्री साहब से कांग्रेस पार्टी के उन्होंने इन्ना वड्डा घपला किया कि 60,000 करोड़ का पलके खा गए अजकल जेलों से तो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो एससी रह गए पिछे जिदे करके मैं बेनती करती हूँ कि एससीआं नूं होर सपोर्ट देने की लोड़ है उन्होंने एनुअल इनकम 2.5 लाख जो 10 साल तो इनक्रीज नहीं उन्होंने 8 लाख तक किया जाए एक होर बड़ी जरूरी चीज़ सर अज देश से ड्रग्स का बहुत वड्डा मुद्दा हैगा मैनू हैरानी से किवें जब असी अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंट की गल करते 10 साल पहले आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बनी जा रहा ड्रग्स के नाल इहदी गल आपां क्यों नहीं कीते क्योंकि अज मैं अपने सूबे की जो गल करा पाकिस्तान दे राही ड्रोन दे राही रोज ड्रग्स साढ़े सूबे में आ रहे पंजाब का हर कोने च हर परिवार हर पिंड ड्रग्स तो पीड़ित हैगा रोज खबर च नौजवान ड्रग ओवरडोज करके ये मर रहे हैं तो क्यों ये सरकार उन्होंने ड्रग्स ड्रोनस को रोकने वास्ते 10 साल जब महिम जी कहते हैं बॉर्डर इन्होंने तकड़ा करने वास्ते बहुत कुछ किया तो आ क्यों नहीं किया बहुत जरूरी बहुत यदि लोड़ हैगी सब दूजा मैं आँदी हाँ सब किसान 60% देश किसानी का हैगा वादा किया 2015 किसानों की आमदन में दुगना किया जाऊगा NSO का डेटा कहता है कि जोड़ा किसान का आमदन 8,000 रुपये 2015-16 से 18-19 ताई वो कल 10,000 हुई वो बाद तो डेटा ही नहीं दिता
जे 15 तो लेके 19 तक कले 2000 का होया तो दुगनी की दी होई है। ये दसन की लोड़ नहीं की कुछ दिता है, दसो कि जो तुम वादा किया डबल क्यों नहीं होया, क्योंकि इस NSO का डेटा यह भी दसता है कि 50% किसान परिवार अज करजाई हो गए ने, ते 5 साल चे करजा 58% बढ़ गया देश के किसानों के उत्ते। ते आ भी एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट जेड़ा डेटा दसती है कि कल 2021 चे 10,880 किसानों ने खुदकुशी, मतलब साढ़े देश से हर घंटे चे किसान खुदकुशी कर रहा है। ते कितने ना कितने किसानी संकट हैगी। मैं अपने सूबे पंजाब जेड़ा कृषि देश सूबा हैगा उहदे बारे मैं थानू दसा, ते सब तो वध करजाई पंजाब दे किसान हैगे। अज पंजाब जे जिथे 80-85% सब स्मॉल ते माजना 5 एकड़ वाले 3-3 लाख का करजाई हरेक किसानी घर के उत्ते हैगा। एक किसानी संकट बहुत वड्डा हैगा, ते हजारां किसान रोज पंजाब चे खुदकुशी कर रहे ने। MSP दी गल सर महामहिम ने किया 18 लाख करोड़, लेकिन सर 850 किसान शहीद हो गए किसानी अंदोलन चे। उन्होंने कहा सी MSP दी कमेटी बनाई जाऊगी, एक लाजमी कमेटी जिहदे नाल स्वामीनाथन कमेटी दी जिहड़ी रिकमेंडेशन C2+50% उन्होंने लाजमी बनाया जाऊगा। 2 साल निकल गए अज तक कमेटी नहीं। हकीकत आ हैगी सर कि जेडे अज कणक नूं लै लईए उहदे DAP यूरिया बिजाई फर्टिलाइजर उहदी वाढ़ी कटाई 80% इनक्रीज हो गई है कॉस्ट इनपुट, ते आउटपुट साडा MSP अजे 30-40% किसानों जेब तो भरना पैंदा है। हकीकत MSP दी आ हैगी। ते सर जब किसान दे कोल कोई मौका हुंदा कि 2 पैसे कमा ले, यूक्रेन दे वॉर च वीट दी प्राइसेस वधिया वधिया, ते सरकार ने एक्सपोर्ट ही बंद करता ताकि किसान दे जेब च कुछ ना आए। सो सर इस करके मैं बेनती कर दिया कि ए तुसी स्कीमा जिहड़ी चलांदे बहुत वधिया सर, 6,000 रुपए वाली स्कीम तुसी चलाए किसान सम्मान निधि बहुत चंगी गल है, लेकिन क्यों ए स्कीम नूं जिहड़ा 2021 च 10,90,00,000 किसानां नूं मिलदा सी, फिर 2023-24 च इहनूं 8.5 करोड़ किसानां नूं सिर्फ लाभार्थी क्यों घटा क्यों दित्ते? किसानां दे आमदन वधी तां है नहीं। हुण साडे पंजाब च सर जिहड़ा 1.5% हिंदुस्तान की जमीन है, लेकिन 30% अन्न जिहड़े तुहाडे 80 करोड़ लाभार्थी हैगे जिन्हां तुसीं राशन देंदे हो, सब तो वड्डा योगदान हो पंजाब का किसान जिहड़ी इन्नी तो जमीन तो इन्ना सारा उपज करता है। पंजाब च तुसीं 26% किसान निधि सम्मान वाले योजना के किसानों की बेनीफिशरी नूं तुसीं 26% घटाता, क्यों? साडा कसूर की सीगा? साडे नाल इह वितकरा क्यों? तो सर किसान पंजाब के किसानों ने अपना पानी खोया, अपना खून पसीना बहाया देश नूं अन्न सरप्लस करन वास्ते, ते साडे नाल इह धक्का। फसल बीमा योजना सर इह तां कोई दसदा नहीं हैगा कि इस बीमा कंपनियां ने किवें 57,000 करोड़ रुपए कमा लिते ने इस योजना तो, ते साडा पंजाब दवानी नहीं मिलती सानू सेंटर तो। साडा मुख्यमंत्री कहिंदा सी जे कोई आपदा आजूगी आम आदमी पार्टी, कोई आपदा आजूगी किसान दी बाह फड़ांगे, सिद्धे गदौरियाबाद नूं होणगे तुहाडे खाते मरी हुई मुर्गी। दवानी नहीं दित्ती सब, वह हड़ आ गए, बाढ़ आ गया, किसान मर गए, लेकिन किसी ने बाह नहीं फड़ी सब। फिर मैं आँदी हाँ गरीबा दे उत्ते सर, गरीबा वास्ते बहुत वधिया मैं समझ गया जिहड़ा आयुष्मान भारत तुसीं कीता है, बहुत वधिया काम कीता है। गरीबा नूं तुसीं मकान दे रहे हो, राशन, बड़ी चंगी गल है सर। लेकिन सर जे 25 करोड़ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੈਟਰੀਨ ਟੋਇਲਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ? ਅਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਸਰ UN ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 74% ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਡਰ ਇੰਡੈਕਸ 23 ਚ ਆਪਾਂ 111ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ 2/3 ਕੁੜੀਆਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ। ਸਰ ਹਕੀਕਤ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ 40% ਡੀਜ਼ਲ 60%, ਅੱਜ ਦਾਲਾਂ 70% ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਰੁਪਏ, ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ 77% ਸਿੰਸ 2012। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 65% ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ RBI ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ।